In olden days, teaching was always traditional, like chalk and duster. And then in 1960s and 70s, teachers started experimenting it. Main date of birth nahi puchunga aap sabse, but you may have seen the transformation going on in the classroom. Ki kis tarah se wo chalk and duster wala module ek naya experiment, ek nayi style mein develop hone ki koshish karta raha. पूरे भारत में सबसे पहली चीज तो यह कि पहले चौक एंड डस्टर नहीं हुआ करता था। देखिए सीखना सिखाना तो डे वन से, जब से दुनिया बनी है तब से सीखना सिखाना तो चलता है। दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग दैट हैज एवर हैपेंड ऑन द फेस ऑफ दिस प्लैनेट। ये बात पे तो हम सभी लोग एग्री करते हैं कि बच्चे का जो टैलेंट होता है उसके मुताबिक उसको पढ़ाना चाहिए, उसको उसी के मुताबिक उसको ग्रो करना चाहिए, उसके टैलेंट में उसको आगे बढ़ाना चाहिए। एंड व्हेन आई एम सेइंग दैट एज टीचर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज एम आई आल्सो अपस्किलिंग माई सेल्फ फॉरगेट अबाउट चाइल्ड एज टीचर्स आर मी अपस्किलिंग आवर सेल्फ इन द टुडेज कॉन्टेक्स्ट। टीचर्स ने उनके टीचर्स को देखा है, उनके टीचर्स ने उनके टीचर्स को, उनके टीचर्स ने उनके टीचर्स को, दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर एजेस। तो उसी तरह से टीचर को क्या होता पता, जब तक वो बोर्ड में नहीं चले जाते, जब तक वो टेक्स्ट बुक नहीं खोलते, जब तक बोर्ड पे नहीं लिखते, उनको लगता है कि भाई मैंने मैंने मेहनत नहीं की, मैंने टीचिंग ही नहीं किया। टुडे द प्रॉब्लम विद टीचर्स इज द गिल्टी, यू नो, इफ दे डोंट टॉक इन द क्लास यू ऑलवेज हैव दैट, अरे मैंने कुछ नहीं बात नहीं किया, कैसे बच्चे से, आई मीन हाउ विल द चाइल्ड लर्न विदाउट मी टॉकिंग। एक मॉलिम जो होता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, प्रॉफिट मोहम्मद ने मॉलिम के लिए ये कहा कि जो लोगों को नॉलेज देता है, नॉलेज इम्पार्ट करता है, उसकी मिसाल ऐसी है कि उसको दुनिया की तमाम मखलूकात, एवरी जो क्रिएशन है उसको दुआ देती है। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله dear teachers, parents, students, آج House of Wisdom powered by Roots and Wings Academy at Education Expo 2022 میں आप और हम यहाँ मौजूद है एक नया टॉपिक डिस्कस करने के लिए। हाउस ऑफ विजडम में एवरी डे हम सेवन टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, अलग अलग जगह से, अलग अलग मकामात से पैनलिस्ट आ रहे हैं, एंड वी हैव बीन इंटरेक्टिंग विद देम टू फाइंड आउट सॉल्यूशंस टू सम क्लासरूम प्रॉब्लम्स। सिमिलरली आज का जो हमारा टॉपिक है, इट्स ऑल्सो related to learning and teaching styles. इससे पहले कि मैं आपको टॉपिक के बारे में, गेस्ट के बारे में कुछ बताऊं, एक बुनियादी रूल का गाइडलाइंस आपके साथ में शेयर करता हूं। सबसे पहली चीज़, दिस सेशन विल रन टिल मगरिब। उसके साथ में इफ़ देर आर क्वेश्चंस देन विल गो अहेड आफ्टर मगरिब एज वेल। आज का जो प्रोग्राम है उसमें तीन पैनलिस्ट होंगे और मैं पैनल मॉडरेटर हूं, सफ़र खान। आपको अगर टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्यूरीज है, आप नोट कर लें, आप प्रोग्राम के एंड में पूछ सकते हैं, प्रोग्राम के बाद में भी पूछ सकते हैं। आज का जो टॉपिक है, इट इज़ ट्रेडिशनल लर्निंग अगेंस्ट कंटेम्प्रेरी मेथड्स, रूट्स ऑफ हिस्ट्री एंड विंग्स ऑफ द फ्यूचर। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हमारे दिल के करीब भी है और क्लासरूम में इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि हम देखते हैं क्लासरूम के अंदर बहुत डायनेमिकली चीज़ें चेंज हो रही है, एंड व्हेन वी कंसिडर द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, इट द करंट प्रेजेंट, हमारा जो प्रेजेंट है, इट हैज़ बीन चेंजिंग एक्सपोनेंशियली। तो कुछ पुरानी चीज़ें, कुछ नई चीज़ें, कुछ फ्यूचर की, कुछ पास्ट की आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पैनल में, हमारे पैनल के साथ में
मैं एक एक पैनलिस्ट का नाम लूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टेज पर आ जाएं। सबसे पहले हमारे साथ है एडवोकेट फैज सैयद साहब। एडवोकेट फैज ये औरंगाबाद में पब्लिक स्पीकर है एंड ही इज़ अ नोन फिगर। ऑलरेडी ही हैज़ डिलीवर्ड मोर देन 2000 पब्लिक लेक्चर्स। इनके टॉक्स यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं, वर्ल्ड वाइड लोग उनको सुनती हैं। IRCTV happens to be one of his initiatives. That's his humble cause, which functions to unite and spread the message of harmony, peace, brotherhood among all communities. मैं फैज सर से रिक्वेस्ट करता हूँ वो स्टेज पर आ जाए। साथ में हमारे आज एक ऐसे गेस्ट हैं वो ट्रैवल्ड फ्रॉम चेन्नई। अब चेन्नई से डायरेक्ट फ्लाइट तो है नहीं, तो चेन्नई से पहले वो दिल्ली गए, दिल्ली से फिर औरंगाबाद आए। सो मैं समझता हूँ कम से कम एक 2000 किलोमीटर की जर्नी तय करके आपके शहर में आपसे कुछ बातें करने आए हैं। ही इज़ मिस्टर विश्वनाथ गोपाल। विश्वनाथ सर को उनके कॉलीग्स, उनके साथ में रहने वाले विशी भी बुलाते हैं। विशी सर जो है ही इज़ एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। ही स्टार्टेड हिज प्रोफेशनल करियर सिंस द इंसेप्शन ऑफ इजी विद्या एंड नाउ हेड्स इट्स लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन डिपार्टमेंट क्लाइंट रिलेशंस वाइडली। ही हैज़ ट्रैवल्ड वाइडली, visited more than 1500 schools, interacted with about 10,000 teachers, and he has also participated in many conferences. So main Vishi sir se request karta hu ki wo stage par tashreef laye please. Mr. Viswanath Gopal. Ha matlab agar aapko bajana hai to taali baja bhi sakte hain. हमारे जो तीसरे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर सैयद मिसबहुद्दीन, ये हमारे साथ कल भी पैनल में थे। ही इज़ अ डायनामिक एक्सट्रीमली प्रोग्रेसिव कंट्रीब्यूटिंग पर्सनालिटी। ही इज़ अ लिविंग इंस्पिरेशन फॉर मेनी ऑफ अस। ही इज़ अ ट्रू लीडर हु लीड्स बाय एग्जांपल। सर इज़ अ कंपैशनेट विजनरी विद अ बर्निंग पैशन टू वर्क टायरलेसली फॉर द अपलिफ्टमेंट फॉर द कम्युनिटी। एट द सेम टाइम सर एक टीचर्स ट्रेनर है, मास्टर ट्रेनर है। सर का करिकुलम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। सर स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन मॉड्यूल पर अलग अलग स्कूल्स में जाकर लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन की कोशिश करते हैं। तो मैं मिसबा सर से रिक्वेस्ट करता हूँ वो स्टेज पर आ जाएं। Before we understand traditional methods of learning, let's examine some of the teaching methods, which include lecturing, demonstrator approach, hands-on teaching, learning, and experiential learning. Let me tell our audience that this has been one of the most debatable topics in the recent past. मतलब पिछले 10 सालों से ये जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस पर लंबी बहस चलती रही है। एंड इन फैक्ट जब हमारा एक कैजुअल इंटरेक्शन हुआ आज पैनलिस्ट के साथ में, सो वी जोक्ड अबाउट इट कि विशी सर कंटेम्प्रेरी मेथड्स की बात करेंगे और मिसबा सर डिबेट के तौर पर ट्रेडिशनल मेथड्स की बात करेंगे। बट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। इट इज़ गोइंग टू बी अ पैनल डिस्कशन जहाँ पर हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी अप्रिशिएट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक बात हर एंगल से हर तरह से सही हो। विल जस्ट अप्रिशिएट द थॉट्स एंड प्रोसेसेस। तो मिसबा सर, टू डिस्कस दिस फर्दर, इन ओल्डन डेज टीचिंग वॉज ऑलवेज ट्रेडिशनल लाइक चॉक एंड डस्टर। And then in 1960s and 70s, teachers started experimenting it. मैं डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछूंगा आप सबसे, बट यू मे हैव सीन द ट्रांसफॉर्मेशन गोइंग ऑन इन द क्लासरूम, कि किस तरह से वो चॉक एंड डस्टर वाला मॉड्यूल
एक नया एक्सपेरिमेंट, एक नई स्टाइल में डेवलप होने की कोशिश करता रहा पूरे भारत में, जिसमें कुछ बहरहाल मैं एग्जांपल्स नहीं दूंगा। आई लाइक टू लिसन फ्रॉम यू कि आपका इसमें पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हैव यू विटनेस्ड द सम पार्ट ऑफ दैट ट्रांसफॉर्मेशन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, वेलकम अगेन। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन से ही कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा मैं, इफ यू डोंट माइंड। आपने पहले ही कह दिया था कि भाई यू डोंट माइंड डिफरेंसेस, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो ये जो पहले की जो बात चल रही है, जहां पर आपने कहा कि पहले चौक एंड डस्टर होता था, अब धीरे धीरे हो रहा, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि पहले चौक एंड डस्टर नहीं हुआ करता। वो देखिए, सीखना सिखाना तो डे वन से, जब से दुनिया बनी है तब से सीखना सिखाना तो चलता है। दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग दैट हैज एवर हैपेंड ऑन द फेस ऑफ दिस प्लैनेट। तो स्टार्ट तो वहीं से हो रहा है, और कभी भी चौक एंड बोर्ड ये डस्टर वाला कॉन्सेप्ट नहीं था पहले। ये तो आया है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम, उससे पहले तो पूरे एक्सपीरियंशियल लर्निंग ही होती थी भाई। इसीलिए तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू टेक अप द साइड ऑफ ट्रेडिशनल लर्निंग। मैंने कहा आओ ट्रेडिशनल में चलते हैं, चलो किसी भी कांटे पे ले जाओ आप। ट्रेडिशनल का खास तौर पर ऐसा है कि पहले के ज़माने में कभी भी ये हुआ नहीं, बल्कि हर कॉन्सेप्ट को उसको मॉडल किया जाता था, खुद एग्जिबिट करके उसको सिखाया जाता कि कौन सी चीज़ कैसे करना चाहिए। कितना भी पुराने ज़माने चल जाओ, आप गुरुकुल का एग्जाम्पल लेना, क्या गुरुकुल में क्लासरूम्स थे? पूछे सर से, पूछे कभी कोई क्लासरूम हुआ करती थी क्या? कभी खानखा में क्लासरूम हुआ करती थी क्या? सुफा में देख लो ना आप, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेथड क्या? तो पहले के ज़माने में ऐसे क्लासरूम्स या ऐसा सिस्टम नहीं था, चॉक एंड टॉक एंड बोर्ड एंड डस्टर ये सब नहीं हुआ करता था। वहाँ पर क्या होता था, वहाँ डिस्कशंस होते थे, हेल्दी डिबेट्स होते। इनफैक्ट मदारिस में अगर आप देखेंगे तो कुछ तो दर्स होते हैं, बट बहुत सारे ऐसे टाइम होते हैं, टाइम टेबल जो होता है ना, तो उसमें टाइम टेबल ऐसा जहाँ पर बहस लिख कर। तो मैंने किसी स्टूडेंट से पूछा, भाई आप लोग बहस क्यों करते हो इतनी? नहीं नहीं सर, बहस बोलते वो क्लास होती है। मैंने फिर उसको बहस क्यों कहते हैं, दरस क्यों नहीं कहते? तो मेनी स्टूडेंट्स दे आर स्टिल नॉट अवेयर। क्यों बहस इसलिए कहते हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में स्टूडेंट्स शुड सिट टुगेदर और टीचर एक क्वेश्चन पूछते थे और सब मिलके आपस में उनके ओपिनियंस देते थे, और तब जाकर उसके डॉक्यूमेंट हुआ करता था कि हाँ अगर ऐसा हो, ऐसा ऐसा हो, तो फिर ऐसा करना चाहिए। ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स यूज्ड टू हैपन। तो ट्रेडिशनली भी पहले सिस्टम ऐसा हुआ करता था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हुआ ये कि दे नीडेड, जैसा उनको रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी। क्यों कॉलोनाइज किया इंडिया को, क्यों इतने लोगों पर जुल्म किया, क्यों इतनी हुकूमत की? बिकॉज दे वॉन्टेड अवर रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस में चाहे अगर कॉटन या आयरन या ये जो मिनरल्स हैं, उसी तरह से इंसानों को भी उन्होंने रिसोर्स ट्रीट किया। और बदकिस्मती की बात यह है कि आज भी हम ह्यूमन को रिसोर्स कहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स कैसे हो गया भाई, इंसान है ना, चीज़ आ जाता इंसान ना, उसको भी हम रिसोर्स कहते हैं। डिपार्टमेंट बना रहे थे, HR डिपार्टमेंट, बड़े शान से बोलते हैं HR स्पेशलिस्ट। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया रिसोर्स, जब इंसान को जब रिसोर्स बनाया गया तो उसको भी फैक्ट्री मेथड में लाना था। तो जिस तरह से एक प्रोडक्ट बनता, कपड़े बनते थे या जो मशीनरी से होते था, उसी तरह से इंसान को भी बनाना था। तो इसके लिए ये क्लासरूम्स बनाए गए। क्लासरूम्स आर एक्चुअली असेंबली लाइन, जहाँ पर बोर्ड होता है, चौक होता है, टीचर बोलेगे देखो ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना है, कुछ ना कुछ नहीं सुनना है सर। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच थी। अब जो चेंजेस आ रहे हैं, बदकिस्मती से मैं बहुत अगेन आपसे डिफर करूँगा कि नॉट इवन, मैं 10% बोलूंगा तो भी मुझे शर्म आ रही है, 5% भी ऐसे स्कूल्स नहीं होंगे पूरे इंडिया में जहां पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग वापस। वी कैन गो ऑन दिस, मैं ज़्यादा बोलूंगा तो फिर बोलेंगे ये क्या। थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। अदर पैनलिस्ट, डू यू हैव योर व्यूज ऑन दिस क्वेश्चन? बिफोर आई स्टार्ट, आई वांट टू थैंक सफर जी फॉर हैविंग मी टुडे हियर। आई थिंक आई एम सिटिंग विद टू एमिनेंट पीपल, डॉक्टर सैयद मिसबा जी और एडवोकेट फैज जी। एटलीस्ट फॉर अ मोमेंट आई एग्री विद मिसबा जी अबाउट, या देयर इज नथिंग कॉल्ड ट्रेडिशनल एज सच। इट वॉज गोइंग बैक टू अ गुरुकुल स्टेज, वॉट वी हैड वॉज द वेरी वेरी एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इन फैक्ट आई वॉन्ट टू जस्ट कोट वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ वन मिथोलॉजी विच इन इंडिया हैज बीन फॉलोड। I'm sure you have heard about that. I'm talking about Mahabharata. Bhishma was the, Dronacharya was the guru. For Pandavas, he taught different skills. He chose bow and arrow for Arjuna and Gata for Bhima. And each of them had different skill set.
So he identified the strength of the individual and trained them accordingly. So in fact, I was just discussing today, we spoke about multiple intelligence somewhere. And there's nothing but looking at what is your predominant intelligence and then appealing to you. So in that sense, yes, it was experiential learning way back. But unfortunately, 150 years, maybe a little closer to 150 years, when Michaelis came in, the Britishers came into India, that is exactly when the traditional chalk and talk, because of the need for industry, very, very likely, Dr. Misbahuddin mentioned, they needed skilled labors. And now I think things are changing. People are coming out of that. An interesting one, the resource, human was called as resource. Maybe Misbahuddin, just to share, we have now moved from human to talent acquisition. So we're calling it as talent management or talent. The human resource has become now talent management. So that's my introductory, I thought I'll just share. For this moment, I'll accept with both of us, yeah. For this moment. Faizbe, do you have an introductory moment for this? Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. देखिए जो बात अभी आई और दो पैनलिस्ट ने जो इस पर डिस्कस किया और उन्होंने एग्री किया कि जो टीचिंग मेथड पहले यूज़ होते थे अब वो ट्रेडिशनल किसको बोलेंगे कहाँ से शुरू करेंगे वो एक मसला है 150 इयर्स के बाद जो चेंजेस आए उससे पहले जो बातें थी लेकिन ये बात पे तो हम सभी लोग एग्री करते हैं कि बच्चे का जो टैलेंट होता है उसके मुताबिक उसको पढ़ाना चाहिए उसको उसी के मुताबिक उसको ग्रो करना चाहिए उसके टैलेंट में उसको आगे बढ़ाना चाहिए एक से शायद डेढ़ साल पहले या दो साल पहले सॉरी लॉकडाउन से पहले सफ़र से मेरी एक बार ऐसी बात हो रही थी और सफ़र इसलिए बोलता हूँ कि वो कुछ चीज़ें मुझसे भी सीखी हैं उन्होंने तो वह रियाल तो सफ़र से मेरी बातचीत हो रही थी तो सफ़र से मैं डिस्कस कर रहा था मैंने कहा कि मैंने 4 times ग्रेजुएशन किया हूँ और 2 times पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूँ लेकिन जो मेरी फील्ड है स्पीच उसमें मैंने कोई कोर्स नहीं किया आज तक और वही मेरी फील्ड है और इस फील्ड में मुझे मोटिवेट करने प्रमोट करने या इसको सिखाने के लिए किसी ने मेहनत नहीं की क्योंकि इसका कोई शोभा ही नहीं है इसका कोई डिपार्टमेंट नहीं है इसका कोई सेक्शन नहीं है कॉलेज और स्कूल के अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं है इसका कि कम्युनिकेशन स्किल स्पीकिंग स्किल्स कैसी स्टेज एक इंसान कैसा बोल सकता है तो ये एक अजीब चीज़ है कि जो मॉडर्न एजुकेशन के नाम पर जो चीज़ें हमने देखी खैर अब चेंजेस आ रहे हैं उसमें ये चीज़ हुई कि जो इंसान इस तरह से था कि वो 10 steps चढ़ सकता था तो उसको कहा गया कि तुम 5 तक आओ और जो बच्चा सिर्फ 2 steps चढ़ सकता था उसको मार मार के 5 तक ले जाया गया मतलब जो उड़ सकता था उसके पर काट के उसको नीचे लाया गया और जो उड़ नहीं सकता उसको मार मार के उड़ने लगाया गया कि तुमको तो किसी भी हाल में उड़ना है तो बहरहाल इस चीज़ को समझना चाहिए कि एक्चुअली बच्चे कैसे होते हैं स्टूडेंट्स कैसे होते हैं और उनकी क्या स्किल्स हैं और स्किल्स के हिसाब से उनको डेवलप करना चाहिए जिसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग वगैरह या मुख्तलिफ नामों से आजकल कहा जा रहा है तो मैं तो यही कहूँगा कि जो आज के जो टेक्निक्स है वो यूज़ की जाए और जो पहले मेथड्स होते थे याद रखिए जो स्टाइल था टीचिंग का जो वे था और जिस तरह से जिसमें जो एबिलिटी होती है उसको वैसा ग्रूम किया जाता था वो दोनों चीज़ों को मिलाने की आज जो है इस दौर में सख्त ज़रूरत है इनकॉर्पोरेटिंग दीज थिंग्स और मिक्स्ड एबिलिटी क्लासरूम्स और अलग अलग टेक्निक्स में वो टॉपिक पर आऊँगा थोड़ी देर में हाउएवर विशी सर आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड Yeah, that you have been into teachers training for a while now. So you may have seen the methodology which has been rapidly transiting. Main jo past ki baat kar raha tha, main jo traditional style ki baat kar raha tha, actually it was not in the earlier past, Vedic period, Sufa period, main wahan nahi jana cha raha tha. It was into the recent past, 1950s, 60s, 70s. लेकिन however, in the recent 30-40 years, what we have seen के ट्रांजिशन तो हो रहा है चेंजेस आ रही है सो व्हाट्स योर व्यू ऑन इनकॉर्पोरेटिंग कंटेम्प्रेरी मेथड्स आप कंटेम्प्रेरी नहीं बोलेंगे थोड़ी देर के लिए न्यू मेथड्स और एक्सपीरियंशियल लर्निंग मेथड्स इनटू द क्लासरूम कि वो किस तरह से इफेक्टिवली कैसे इनकॉर्पोरेट होता है जो आपने सही कहा जस्ट गोइंग बैक टू 30 इयर्स और 20 to 30 years मैं ये सवाल ऑडियंस की पूछना चाहती हूँ वाई डू चिल्ड्रन कम टू स्कूल एनी वॉलंटियर्स वाई डू चिल्ड्रन कम टू स्कूल फॉर लर्निंग
learning, studying. And do we have teachers here? Can you just raise your hand? Okay, developing skills. What else? Anything else? I think when we go back 30 years, I think children come to school for knowledge. Correct? As teachers, we are probably, we used to say that the learned people in those days were teachers, and teachers were the one who provide the knowledge to the child. Yes or no? I'm talking about not now, I'm talking about 30 years back. Correct? Now, I'm going to ask you all a question. Which is the smallest country in this world? Huh? Vatican City. Okay, what is the population? On what basis is the smallest city in the world? Sorry? 20,000 people are there, okay. Now, how many of you have a mobile? You're carrying a mobile? Do you all have a Google in your mobile? Yes? Maybe I can give this to a child, student, ask him to just check. Is it possible to check the smallest city and why? Sorry, smallest country. Huh? Aap bhi check kar sakte. Chalo yaro, be quick. Huh? So yeah, Vatican City. I think we should give her an applaud. Both by size and by population. It's just less than 0.5 square kilometer. And the population is 800. Only 800 is the population there. And this is the knowledge probably 30 years before only the teacher knew. Because we didn't have access to such thing. And today in a click of a button, you are able to impart this knowledge. And when I'm saying that, as teacher, one of the important thing is, am I also upskilling myself? Forget about child. As teachers, are we upskilling ourselves in the today's context? And there's a difference. There's a difference. What we always say is a digital native versus a digital immigrant. All of us who were born before 2000 are mostly immigrants. We are migrating into technology, but whereas children who are born after 2000 are digital natives. You have to, how do you cater to their needs? So that is one of the important thing, especially in upskilling teachers. And there's always a good and a bad. Pandemic, all of us think, was a bad thing, but there were a lot of opportunities which came up in pandemic. I think that is when the technology, the need for technology or the importance of technology came into limelight through the form of online learning. Otherwise, just imagine 2 years of no school, we would have gone back 10 years. There was a huge learning gap because of that. Even now, schools, I'm sure teachers, you are facing this problem, right? Children, especially in pre-primary, are struggling to even read. So that is the major difference when we talk about, since Safarji said not to use the word contemporary, I'm not bringing in that. So the learning difference which was there. Teachers ki or teachers ki upskilling ki baat hui. That takes me to the next question, Faiz bhai. I want to understand, and I'm sure the audience would love your answer. Like teachers in implementing contemporary or traditional teachings, dono mein se koi bhi methods aap adopt kar lijiye. But do you believe that an effective teacher can bring out the success into students with traditional teaching or vice versa? देखिए जो क्वेश्चन है कि ट्रेडिशनल टीचिंग के थ्रू या कंटेम्प्रेरी टीचिंग या जो न्यू मेथड्स आ रहे हैं उसके थ्रू किस में ज़्यादा बेहतर होगा या किस ढंग से बच्चे लर्न कर सकते हैं ये पूछना चाह रहा है नहीं एनी वे कोई एक मेथड भी अगर टीचर इफेक्टिवली अडॉप्ट करे
बहरहाल मैं यहाँ ये कहूँगा कि ट्रेडिशनल टीचिंग के मेथड्स जो है वो लिए जाए और जो टेक्नोलॉजी मॉडर्न है उसको उसमें डाला जाए तो ये बेस्ट तरीका होगा। उसका मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल 2 ईयर्स का जो लॉकडाउन गुजरा है उसके अंदर जो बच्चों ने बगैर टीचर के, मतलब फिजिकल टीचर सामने नहीं था और वहाँ उन्होंने लर्न किया, तो आज वो सोशली उनका बिहेवियर इस तरह से है कि वो टीचर के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। तो अगर बच्चों को हम इस वो करेंगे कि ट्रेडिशनल मेथड्स को उसमें नहीं यूज़ करेंगे और एक्सपीरियंशियल लर्निंग, प्रैक्टिकल और बहुत सारी चीज़ें उसमें होती थी, और डायरेक्टली ये सोचेंगे कि ये डेटा है, ये नॉलेज है या ये एक डेटा है, आप इसको ले लो, इससे नॉलेज गेन कर लो, तो मैं समझता हूँ फिर एक अजीब चीज़ हमारे सामने नज़र आएंगी। याद रखिए, तो हमें दोनों का मिक्सचर चाहिए। मतलब मैं ये कहूँगा कि जो पहले जो तरीका किया जाता था एक्सपीरियंशियल लर्निंग थी, फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी किसी को सिखा रहा है एक ज़माना शिकार करके कैसे ज़िंदगी गुजारना है, ठीक है, उसको उसका एक तरीका था, तो वो सिर्फ ये नहीं सिखा रहा था कि ये फिज़िक्स के रूल के हिसाब से वो जो है बो को इतना खींचा जाएगा और एरो इस डायरेक्शन में लगाई जाएंगी, फिर वो इतने स्पीड से जाएंगी तो इतने वेलोसिटी गेन करेंगी, फिर जाके वो टारगेट को ऐसा हिट करेगा, फिर वो लगेगा तो शिकार होगा, वैसा नहीं था। वो उसको बता रहा है, कुछ चीज़ें समझा रहा है, फिर उसको बॉडीली उसको किस तरह से वो मसल पावर गेन करना है वो सिखा रहा है, फिर उसको वहाँ फॉरेस्ट में ले जा रहा है, फिर वो सामने खड़ा हो रहा है, फिर उसको वो सिखा रहा है किस तरह से करना, और फिर वो फिर वहाँ प्रैक्टिकली उसको पता चल रहा है कि वहाँ आवाज़ नहीं कर सकते वरना शिकार भाग जाता है, मतलब वो जंगल में जा रहे हैं और थोड़ी सी आवाज़ आई तो वो चला गया। अगर वही चीज़ वो यहाँ पूरा ऑन पेपर कर रहा है और फील्ड में जब उतर रहा है तो वो कह रहा है मैं तो यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। जैसा कि स्विमिंग की प्रैक्टिस आपने पूरा टेक्नोलॉजी का यूज़ करके स्क्रीन के सामने उसको पूरा बता भी दिया, लेकिन जब फर्स्ट टाइम वो गया तो बोल रहा है तो कपड़े उतारने में बहुत सर्दी लगती है, क्योंकि वहाँ उसको एक्सपीरियंस हुआ जाने के बाद फील्ड में कि ये ठंडा, फिर पानी उससे ज़्यादा ठंडा है, और फिर ये नहीं पता था पानी मगरमच्छ भी होता है और शार्क भी निकल सकती है और जेलीफिश भी होती है अगर समंदर है तो, फिर ये है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ट्रेडिशनल जो लर्निंग थी वो हम लें, उसके साथ साथ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और मेथड्स हैं वो उसके अंदर डालें। अगर क्वेश्चन ये है कि दोनों में से कौन सी बेहतर है, तो मैं कहूँगा अगर मैं ये कहूँ सिर्फ ट्रेडिशनल तो फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो आ रही है उससे वो अपडेट नहीं हो पाएंगे, मतलब उसको लेकर जो फ़ायदा होना चाहिए, और अगर मैं कहूँ नहीं सिर्फ ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूज़ करके कंटेम्प्रेरी एजुकेशन जिसको कह रहे हैं, तो फिर मैं समझता हूँ जो उनकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रैक्टिकलिटी थी वो सारी चीज़ें खो जाएंगी और बच्चा कंप्यूटर को अपना उस्ताद समझेंगे और सोशली शायद किसी के साथ भी वो जी नहीं पाएंगा। जैसा लॉकडाउन के बाद बच्चे स्कूल में क्लास में आए तो टीचर्स मैं समझता हूँ वो लड़ रहे हैं एक दूसरे से, टीचर क्या बोल रहे हैं उनको समझ में भी नहीं आ रहा है क्योंकि वो उसकी आदी नहीं है। हाँ वो बोल रहे हैं ऑनलाइन बोलिए हम समझ जाएंगे, प्लस वो स्क्रीन के सामने चादर ओढ़ के सो रहे थे, वो मतलब ऐसे पैर ऊपर करके बैठे हुए हैं और सर थे एक वो डाला हुआ है और वहाँ चल रही थी उनकी टीचिंग और आंसर भी दे रहे थे, और कभी कभार एक फ़ोटो लगा देते थे वो कि मैं सामने बैठा, टीचर ने बोला खोलो कैमरा फ़ोटो हटाओ। तो इस तरह से मैं कहूँगा ये दोनों चीज़ों का एक मिक्सचर होना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए टीचर्स एडॉप्ट करे, टीचर्स इसको अप्लाई करे, बातें तो ठीक है लेकिन एक टीचर्स ट्रेनर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि ये जो ट्रांजिशन था या ट्रांजिशन है या टीचर्स का कोई एक मेथड अडॉप्ट करने वाली बात है, सो व्हाट हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस विथ टीचर्स व्हेन इट केम टू ट्रेनिंग एनी वन ऑफ दीज पेडागोजीज या एनी वन ऑफ दीज मेथड्स, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस विद द टीचर्स? देखिए टीचर्स का सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि दे आर वेरी गुड लर्नर्स, आप जो सिखाओगे वो सर हिलाकर सब सीख लेंगे, ये चैलेंज है। नहीं चैलेंज नहीं है, ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज है, सब सीख लेते हैं, मुंडी हिलाएंगे पूरा काऊ की तरह टिंग 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 सब सीख लेते हैं, राइट। उसके बाद में जाकर करते कुछ नहीं है, जाके बहुत अच्छे होते टीचर्स, पता है क्यों? तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि डिस्पाइट ऑल द ट्रेनिंग्स दैट वी डू राइट, अल्टीमेटली उसका असर जो होता है क्लासरूम के अंदर दैट्स नॉट मोर देन 10-20%, 20% से बहुत ज़्यादा अगर हो तो। अब मैंने उसके ऊपर फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि वाई डज इट हैपन दिस वे, क्यों टीचर्स, देखो आप कंटेम्प्रेरी मेथड्स पढ़ाते हैं बताते हैं उनको, बट स्टिल एक तो इकोसिस्टम नहीं मिलता उनको कंटेम्प्रेरी मेथड्स का, अगर मिल भी जाता है तो वन थिंग दैट दे आर ऑलवेज स्ट्रगल विथ इज टीचर का भूत। जब टीचर क्लास में जाते हैं पूरे इरादा करके जाते हैं कि हम जाएंगे ये करेंगे ये करेंगे, और जैसे एंटर करते हैं ना
सडनली ऐसे कुछ आता है उनको और वो सीधे जाते हैं, टेक्स्ट बुक लेते हैं, बोर्ड पे जाते हैं, टॉपिक लिख देते हैं. द मोमेंट अ टीचर राइट्स द टॉपिक ऑन द ब्लैक बोर्ड, दैट्स इट. उन्होंने सबसे बड़ा मेरे नज़दीक एक गुनाह किया है, उन्होंने बच्चों की क्यूरियोसिटी को किल कर दिया. पहले बोर्ड पे नाम लिख देना, उसके बाद में टेक्स्ट बुक खोलना, उसके बाद में ये क्यों होता है इस तरह से, इतना सोचने के बाद में. क्योंकि बिकॉज द प्रॉब्लम इज ये है ना, टीचर्स मजबूर किस वजह से, बिकॉज व्हेन दे गेट टू द क्लासरूम दे स्टार्ट गेटिंग इनटू देयर सबकॉन्शियस. टीचर्स ने उनके टीचर्स को देखा है, उनके टीचर्स ने उनके टीचर्स को, उनके टीचर्स ने उनके टीचर्स को, दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर एजेस. तो क्या होता है बताए, जैसा कि हम हैदराबादी लोग हैं, हमको जब आप खाना खिलाते हैं हम बहुत दुआ देते हैं, राइट. लेकिन लास्ट में बोलते हैं खाना क्यों नहीं खिलाया, ऐसा हमसे अक्सर बोलते हैं कि आप रोटी लेकर आते हैं, आप पूरी लेकर आते हैं. कल हमारे आदिल भाई ने बहुत अच्छा मुझे डिनर करवाया, मैंने बोला खाना नहीं खिलाया था हमने. जब तक वो चावल नहीं आता ना, तो हम लोग चावल को खाना कहते हैं. तो चावल जब तक नहीं आता तो लगता है कि सब कब करने का पेट नहीं भरता वो. तो उसी तरह से टीचर को क्या होता पता, जब तक वो बोर्ड में नहीं चले जाते, जब तक वो टेक्स्ट बुक नहीं खोलते, जब तक बोर्ड पे नहीं लिखते, उनको लगता है कि भाई मैंने मैंने मेहनत नहीं की, मैंने टीचिंग ही नहीं किया. तो वो एक एक हल्का सा अंदर में गिल्ट फैक्टर आ जाता है जी. ओके, तो इसके लिए जो है ना, देन द मोमेंट दे गेट इनटू द टीचिंग रोल, सडनली फिर वही ट्रेडिशन में आ जाते हैं. तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हैबिट फॉर्मेशन जो होता है ना, उसके लिए पहले चीजों को हटाना पड़ता है. इज इट पॉसिबल फॉर यू टू टेक आउट द ब्लैक बोर्ड फ्रॉम द क्लासरूम? अगर इफ यू रियली वांट टू इंप्लीमेंट कंटेम्पररी मेथड्स, द वन थिंग दैट यू हैव टू डू, टीचर ट्रेनिंग के जब बोल रहे टीचर, टीचर ट्रेनिंग करेंगे, टीचर सुनते भी है, समझते भी है, और अच्छे लोग होते हैं, बहुत मेहनत करते. टीचर के जैसा मुखलिस इंसान पूरी दुनिया में कोई नहीं होता. बट देर इज अ प्रॉब्लम, वी नीड टू लुक फ्रॉम दैट इकोसिस्टम पॉइंट. आप क्लास में से ब्लैक बोर्ड हटाओ, बी वेरी यू नो वेरी कंटेम्प्रेरी, डू ऐसा एक्सपेरिमेंट करिए, हटाइए. उसके बाद में बच्चे मिलकर बैठेंगे, सर्कल्स बनेंगे, ग्रुप्स बनेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, डूइंग करेंगे, वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगी. अदरवाइज देन अगेन फिर वो टीचर का बहुत क्लास में आ ही जाता है. हाँ, फिर एक काम कर सकते हैं आप, यहाँ दरगाह है कोई, तो वहाँ से वो लेकर आना पड़ेगा, वो जो मोर का कट्टा होता है ना बड़ा सा, हाँ वो लाकर क्लास में स्कूल के एंट्रेंस पर रख देना चाहिए. टीचर एंटर आते ही दो मारे और फिर वो क्लास में जाए और आपका भूत चला जाएगा, फिर वो पूरा कंटेम्पररी पड़ेगा. या तो ये करिए, या फिर क्लास में से बोर्ड हटा दीजिए, वरना सारी ट्रेनिंग फिर वही उसके हवाले हो जाएगी, वो जो पुराने टीचर का भूत है ना उसके उसके सुपुर्द हो जाएगी पूरी पूरी. रिसेंटली मिसबा सर का एक कॉन्फ्रेंस गुजरात में हुआ. सर, डू यू वांट टू ऐड सम पॉइंट? आई विल कम बैक टू माय गुजरात वाला इंसिडेंट आफ्टर विशेष सर इज डन. I thought I'll just add a point from Dr. Misbah just mentioned about that. I completely agree. I think today the problem with teachers is the guilty, you know, if they don't talk in the class. They always have that. Arey, maine kuch nahi baat nahi kiya. Kaise bacche sikha? I mean, how will the child learn without me talking? But then, let's just go back to a kindergarten. Kindergarten matlab 3.5-4 saal. The moment the child comes to the class, we do have an interview process, right? Generally, schools, we have an interview with the child. What do we ask the child? Then, colors batao, sarot's name batao, and then animals, wild animal, domestic animal. और उसके बाद क्लासरूम में क्या पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते हैं ना. इंटरव्यू में वी आस्क दोस क्वेश्चंस एंड द चाइल्ड ऑलरेडी नोज दैट क्वेश्चन, मगर हम क्लासरूम में वही पढ़ाते हैं. क्या फर्क है इसमें? सो व्हाट वी थिंक इज चिल्ड्रन डोंट नो एनीथिंग, वी शुड ओनली टीच. आई थिंक दैट अनलर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इनटू अ कंटेम्पररी मेथड. So traditionally, we believe that only teacher has to impart that knowledge. So teacher has to teach. Today, I think the word teaching is banned in most of the schools. They say facilitation. As teachers, we are facilitating learning. That change from teaching to facilitation itself, moving from a traditional to contemporary. That's one I thought I'll just add. And to advocate another thing was,
I think, unfortunately, today there is a misconception that contemporary is digital. Actually, digital is one part of contemporary. Today, what we talk about contemporary is a lot of methodology, pedagogical aspects is what in contemporary is. I don't know how many of you have heard about this word called neuroscience. How the brain functions, based on that, the neuroscience is there. I just saw a stall here that talks about NLP, neuro-linguistic programming. These are very, very rich pedagogy now getting into our education, getting into the classroom. Why? So that the child can learn better. Thank you. Thank you much. I wanted to share that experience ke na mera khayal hai 2 ya 3 hafte pehle Misbah sahab ka ek conference ho raha tha in Gujarat, and I also attended that program online. Unko aaj malum pada. Usme ek speaker the, wo culture ke upar baat kar rahe the. He was talking about the culture of the school, ke school ka culture kaisa ho, kaisa change kare, kaisa hona chahiye. उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि जैसे ही स्कूल मैनेजमेंट स्कूल में कुछ नया करने की कोशिश करता है तो टीचर्स बोलते हाँ इन्होंने अभी वो ट्रेनिंग अटेंड करके आए हुए हैं तो अब ये कुछ नया करने वाले हैं. बट यू सी वी नीड टू अडॉप्ट सर्टेन थिंग्स व्हिच आर गुड एंड फैसिनेटिंग फॉर आवर स्टूडेंट्स. अब हर स्कूल की ज़रूरतें अलग है, हर स्कूल के बच्चे अलग है, हर स्कूल का एक विजन अलग है, तो उसके हिसाब से हमको चीज़ें अडॉप्ट करना होगा. आई थॉट कि वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. मैं ऐड कर दूँ क्लासरूम का, तो सर अब ऐसा है कि अगर हम न्यू कंस्ट्रक्शन की बात करें कि भाई हम नया स्कूल बनाना चाह रहे हैं और हम अगर हमारे आर्किटेक्ट को बोले सर वो बोर्ड को ना थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखो, कभी मैं यहाँ लगाऊँ, कभी वहाँ लगाऊँ, कभी निकाल दूँ, कभी बाहर लगाऊँ, तो हमारा आर्किटेक्ट बोलता है यार नो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. वो क्लासरूम है, वहाँ पर बैठा जाएगा, वहाँ चार दीवारें होगी, वहाँ पर एक डिसिप्लिन होगा, वहाँ का एक फॉर्मेट होगा, वहाँ का एक स्ट्रक्चर होगा, वहाँ का अपना डिसिप्लिन होगा, आपको यहाँ बैठना है, यहाँ खाना है, ये करना है, वो करना है. मैं बोला भाई फिर स्कूल का है, मतलब दिस इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द स्कूल वॉट दे परसीव एंड द स्कूल वॉट वी इमेजिन. हम कुछ नया सोचना चाह रहे हैं, नया कुछ करना चाह रहे हैं, बट वही सिस्टम जो है. सिस्टम से याद आया मुझे एक और क्वेश्चन. हम इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, तो सर वो क्लासरूम है, अब वो क्लासरूम का बोर्ड निकाल दूँ तो ये पेरेंट्स आकर पूछेंगे अरे बोर्ड का है, पढ़ा क्या रहे हो. बिकॉज इन द होल इकोसिस्टम पेरेंट्स ऑल्सो हैपन टू बी वन पार्ट ऑफ आर सिस्टम. तो एक पेरेंट्स है, दूसरी तरफ टीचिंग मेथोडोलॉजीज है कि वो बोर्ड निकालेंगे तो वो क्या करवाएंगे. आई डोंट वॉन्ट टू बी अ पैनलिस्ट, तो मैं यहाँ मेरी बात खत्म करता हूँ एंड आई विल स्विच इट ओवर टू यू. बिफोर गेटिंग इन देयर जस्ट क्लोज योर आईज एंड थिंक ऑफ द क्लासरूम जस्ट फॉर 30 सेकेंड्स. अब जरा एक क्लोज योर आईज 30 सेकेंड्स. क्लासरूम, maybe you were a student or you were a teacher, what comes to your mind when you think of a classroom? Yeah, you're going to open your eyes. Blackboard, first thing blackboard comes, then table, chair, bench, everything. Ho gaya mera kaam khatam. Now, abhi Misbah ji ne bataya tha na, human resource, a resource nahi hai. Classroom ke andar, there's life. 20 children, 30 children. Acha, aapne, you've heard about this, right? House and a home. Koi farak hai? When do we say it's a house and when do we say it's a home? Exactly. ओनली द मटीरियल स्टिक है, चार दीवारें है वो अंदर हाउस के अंदर, वो कुछ फर्नीचर्स है वो तो हाउस कहते हैं. एंड वेयर फैमिली लिव, द हार्मनी बिटवीन फैमिली, द लाइफ, द इमोशंस, दैट्स वेयर वी कॉल अ होम. द हैप्पी फैमिली इज व्हाट वी कॉल अ होम. सिमिलरली आई थिंक नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू मूव आउट फ्रॉम क्लासरूम.
आप लोग रूट्स एंड विंग्स का स्टॉल, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन, वी कॉल इट एज थिंक रूम्स, वी डोंट कॉल क्लासरूम. व्हाई? बिकॉज थिंकिंग इज हैपनिंग इनसाइड. देयर इज इमोशनल बॉन्ड हैपनिंग बिटवीन द चाइल्ड एंड द टीचर. देयर इज कोलैबोरेशन, देयर इज लर्निंग, देयर इज हैप्पीनेस, सब कुछ होता है अंदर. सो अ फर्स्ट थिंग टू मूव आउट फ्रॉम द ट्रेडिशन इज टू मूव अवे फ्रॉम कॉन्टेम्प्ररी, आई मीन मूव कमिंग टू कॉन्टेम्प्ररी इज I mean, I probably if it's possible to remove the blackboards, it'll be great. But I don't know. Aajkal zamana mein wo hota hai nahi. But then at least to move out from the classroom scenario to a think room is, I mean, don't even have to call think room. You can call something else, but not a classroom. That's my, I thought I'll just share. Sir, आपके architect से मुलाकात करेंगे. आज मैं आपके architect से मिले बगैर जाऊंगे नहीं. इनसे टिकट कैंसिल किया जाए. नहीं, इफ यू हैव ओपिनियंस ऑन द सेम क्वेश्चन आई'd अप्रिशिएट दैट. और फैज भी, आप भी. ऑनलाइन सुनेंगे आप? यहाँ सुने तो ऑनलाइन नहीं सुनेंगे जी सर. तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, देखिए इंसान बहुत सारे हैबिट्स बोलते हैं ना, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, मैं दुबला हूँ ना, सॉरी मैं दुबले की बात नहीं करेंगे, वो कुछ और बोलेंगे, मेरी तरह मत देखिए. तो बहुत सोचता था मैं ये करूँगा, मैं सुबह जल्दी उठूँगा, मैं एक्सरसाइज करूँगा, मैं आपसे कुरान शरीफ पढ़ूँगा, इतने पारे पढ़ूँगा, सब बोलते हैं राइट. लेकिन वो सब फिर क्या होता है, वी डोंट वैल्यू आवर सेल्स. हम अपने आप को हम उतनी अहमियत देते नहीं है और वो धीरे 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 सब चीज़ चले जाती है. हम टीचर्स को क्यों ब्लेम करें? टीचर्स भी इंसान ही है, वो भी चाहते हैं अच्छा पढ़ाना. कंटेम्प्रेरी जो बात कर रहे हैं ना, कंटेम्प्रेरी तो वो तो मेथड है. तो लेकिन वो क्या है, वो हो नहीं पाता. क्यों मालूम है? हर बार ये मैं जो बात लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमको माहौल को बदलना पड़ेगा. माहौल को बदलने अब सडनली पूरा तो आप पूरा घर नहीं बदल सकते. तो क्या करना चाहिए? एक हैबिट के फॉर्मेशन के लिए आपको चाहिए ट्रिगर, कोई चीज जो आपको रिमाइंड करे कि मुझे ये नहीं करना, मुझे ये करना है. या फिर आपको उसका कुछ ऑल्टरनेटिव, आप सिगरेट छोड़ना है तो फिर क्या करते हैं, आपको निकोटिन का कोई कुछ वो आती है, क्या आती है, वो च्युइंगम आती है, वो कुछ देते हैं. ठीक, कभी कभी एक्सट्रीम हो जाता है तो उनको फिर रिजर्वेशन कैंप एक अलग माहौल में ले जाते हैं. तो अगर हमको कुछ एक हैबिट डालना है या हैबिट निकालना, आपको क्या चाहिए, ट्रिगर्स है जो आपको रिमाइंड करते हैं आपके एनवायरमेंट में रहते हैं. तो स्कूल में मैंने अभी रिसेंटली डिजाइन किया है ट्रेलिस ट्रिगर्स के नाम से कॉन्सेप्ट मैंने डिजाइन किया है. अब एक ट्रिगर है मेरा, उसका नाम है दादी वर्सेस दीदी. ऐसा पोस्टर है जो क्लासरूम में रहता है. क्या, अब आप बताओ क्या है इसका मतलब? आप दादी की तरह पढ़ाना चाहते हो या दीदी की तरह पढ़ाना चाहते हो? चॉइस इज योर्स. दादी की तरह करेंगे तो ट्रेडिशनल, आप जो बोल रहे हो बार बार, आपका ट्रेडिशनल, मेरा वाला नहीं. तो दादी इज ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, ए, सुनो बैठो, अब वो बच्चा तो रोने दो, सोने दो, बस उनको कंप्लीट करना, तो डराएंगे, डांटेंगे, बिटाएंगे, दे शी हैज अथॉरिटी. लेकिन दीदी को अब बच्चा बोलेगा अरे मुझे करना हो, वो करना, तो दीदी क्या करेगी, उनको भी पता नहीं होता है. तो चलो बेटा आप चलो आओ, देखो देखो कौन सा चैप्टर है, कौन सा क्या, अच्छा ये बुक लेकर आओ, वो बुक लेकर आओ, टीचर ने क्या पढ़ा, नोट्स निकालो, देखेंगे उसको, स्टडी करेंगे, दोनों मिलकर एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है काम करेंगे, देखो मुझे लग रहा है ऐसे ऐसे करना चाहिए, अब तुम ये ट्राई करो. तुम्हें ऐसे कर साथ में एक बड़ी बहन क्या करती है, इतनी मोहब्बत के साथ एक्सप्लोर करते पढ़ाते कि वो पढ़ते वो पूरा समझ जाता है बच्चा. अक्सर यहाँ पर सबके साथ में ऐसा एक्सपीरियंस होगा, किसी ना किसी की बड़ी बहन ऐसे दी होगी, मेरी बड़ी बहन तो माशाल्लाह कर देती है ऐसे. तो ये जो होता है ना एक्सपीरियंस, अगर ये टीचर के अंदर आ जाए तो यही कंटेम्पररी है भाई, यही है कंटेम्पररी के टीचिंग वाले माइंडसेट से निकलो बाहर, निकल के चलो लेट्स गो, लेट्स लर्न, लेट्स डिस्कवर, लेट्स एक्सप्लोर. अब उसके वास्ते आप टेक्नोलॉजी यूज करो, उसके वास्ते आप ग्रुप लर्निंग करो, उसके वास्ते आप क्वेश्चन आंसर्स को उल्टे कर दो. यानी कि बोलते ना हम एक मेथड कहते हैं बैकवर्ड टीचिंग, यानी कि उसमें पहले पूरी बुक पढ़ा, पहले पूरा चैप्टर पढ़ा के फिर क्वेश्चन आंसर नहीं करते, उसमें क्या करते सीधा जाते क्वेश्चन पढ़ते, अरे ये क्वेश्चन का क्या मतलब है, चलो ढूंढते सब मिलकर, आप टेक्स्ट बुक पढ़ते वो क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए. तो एक ट्रेजर हंट की तरह क्वेश्चन का आंसर ढूंढते पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है. ऐसे बहुत सारे क्रिएटिव मेथड्स हैं, कई मेथड्स हैं. और मैं आपको बात कहूँगा, टीचर अगर पैशन से पढ़ाएगी ना तो सीधा दिल में इल्हाम होगा उसको,
मेरे नजदीक अगर आप जाकर एक क्लास में खड़े हो गए तो पूरी कायनात में, याद रख लीजिए, पूरी पूरी कायनात में आपसे बेहतर उस वक्त उन बच्चों को वो टॉपिक पढ़ाने वाला कोई नहीं है। आपके इतना, आपकी मजाल नहीं है, आपकी इतनी ताकत नहीं है कि आप जाकर किसी को कुछ सिखा सके जब तक कि आपको मौका ना दिया जाए। आपको क्लासरूम दी गई है, आपको इतने बच्चों की जिंदगी और उनकी अमानत दी गई है आपको, आपसे बेहतर पूरे कायनात में कोई नहीं। और इसको समझ गए ना आप, तो डायरेक्ट दिल में बात आएगी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर ब्लैक बोर्ड यूज करना है तो करो, नहीं तो मत करो। ग्रुप बनाना है, बनाओ। कैसे बनेंगे ग्रुप? छोटे, अरे यार सोचो तो सही, छोटे से छोटे क्लास। पहले के जमाने में कितने घर छोटे होते, दिल बड़े होते थे। छोटे छोटे घरों में पूरा पूरा खानदान आता था, पूरी दावत होती थी, सब होता था, जगह बनती है। छोटी क्लासरूम में भी काम होता है, बड़ी क्लासरूम में भी काम होता है। ये रहेगा, वो रहेगा, तो वो ऐसा नहीं, कुछ नहीं। तारीफ करने के लिए नहीं, लेकिन आज मैं भाई के स्कूल गया था, रूट से निक्स गया था, इतना सिंपल उन्होंने रखा है कि वहां पर टिन की छत है, फ्लोरिंग तक नहीं है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ लर्निंग हो रही है, माइंड ब्लोइंग। क्यों कर रहे? मेथड पे काम कर रहे। एटीट्यूड नहीं है कि भाई ये होगा वो होगा तो होगा, नहीं, करना है तो करना है, करना जब शुरू करेंगे तो काम, हर साल काम। तो अगर टीचर ये बिलीव कर ले कि अब यहां पर इस वक्त इन बच्चों को ये टॉपिक पढ़ाने के लिए मुझको इंतखाब यानी कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, ऊपर से सिलेक्शन हुआ है, तो बिलीव मी आपको ऐसे ऐसे क्रिएटिव आपके दिमाग में आपके आइडियाज आएंगे, किसी इंटरनेट पे गूगल को तक तो पता नहीं होगा वो आइडिया, ना कहीं लिखा गया होगा, ना कहीं सोचा गया होगा किसी से, आपके दिमाग में बात आएगी और आप वो कर भी कर देंगे, आप डायरेक्ट आपको आएगा इनाम। बस बिलीव करिए, आपसे ज्यादा नेक, आपसे ज्यादा जिम्मेदार टीचर से बढ़ के कोई दुनिया में नहीं हो सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौलवी बनाकर भेजे गए थे, इससे बड़ा कोई नहीं है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो है, उनका एग्जाम्पल मैं बार बार लेता हूँ। क्या है, क्या था, कौन थे एपीजे अब्दुल कलाम? बोलिए, साइंटिस्ट थे, सिर्फ साइंटिस्ट थे? कौन थे एपीजे अब्दुल कलाम? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, बिल्कुल साइंटिस्ट थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। उन्होंने किताबें लिखी है बहुत सारी बच्चों के लिए, ऑथर भी थे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला था उनको, और बहुत सारे उनके टाइटल्स होंगे। जब उनसे पूछा गया कि भाई आप क्या पसंद करते, इतने टाइटल्स आपके, इतना सा काम किया, आप क्या पसंद करते, तो उन्होंने कहा कि मैं तो टीचर हूँ, टीचर की और टीचर करना चाहता हूँ। और देखो वो इतना सादा आदमी, उसका इंतकाल हुआ, वो टीचिंग ही कर रहा था, ही वॉज ऑन ए स्टेज, ही वॉज डिलीवरिंग ए लेक्चर। वो बात करते करते पढ़ाते 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 बच्चे हिचकी सी आई और चल गए। इससे बड़ा कोई और रुतबा, पोजीशन, काम, जिम्मेदारी कोई नहीं हो सकती है। मेथड लो, अगर बिलीव करेंगे तो सब आपके काम में आएंगे, नहीं तो फिर एवरीथिंग विल बिकम ए वेरी बिग हर्डल, सकता वो नहीं हो सकता। तो बहरहाल ट्रिगर्स के मैं बात कर रहा था, मैं वापस आऊँ थोड़ा सा बयान का। हाँ, इनको माइक का बहुत ज़्यादा जी बहुत। मैं इसलिए नहीं ले रहा, एक्टिवली मैं दूर कोशिश कर रहा हूँ कि माइक से दूर हो। बहरहाल ट्रिगर्स अगर हम लगा लें, जैसा दादी वर्सेस दीदी वाला, इसी तरह के हम ट्रिगर्स बना लें कि आप क्लास में कैसे करेंगे, स्टाफ रूम के कुछ ट्रिगर्स हैं, तो इंशाअल्लाह आपको घर में भी लगा लें। घर से निकलते वक्त नाश्ता किएगा, एंट्रेंस में डोर के ऊपर लगा लिए, हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट? अक्सर टीचर्स ब्रेकफास्ट नहीं करते, ऐसे कुछ कुछ लगा लो ट्रिगर्स, इंशाअल्लाह देखेंगे फ़ायदा होगा बहुत, इंशाअल्लाह। अप्रिशिएट दैट। लेकिन ना ये यहाँ पैनल पूरी मेरी टांग खींचने पर लगा हुआ है, ट्रेडिशनल का मैंने जब वर्ड इस्तेमाल किया, ट्रेडिशनल का आप ले लीजिए, ये टॉपिक आया क्यों, उसका एक छोटा सा एक मिनट का बैकग्राउंड। रिसेंटली देर वॉज अ डिबेट कॉम्पिटिशन, उन्होंने ये टॉपिक रखा था, एंड आई वॉन्टेड टू सेंड माई स्टूडेंट्स डिफेंडिंग द ट्रेडिशनल टीचिंग। ठीक है, आप ट्रेडिशनल टीचिंग का एग्जाम्पल ले लीजिए, 1400 साल पीछे जाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एग्जाम्पल है। उन्होंने बताया कि जो आदमी तीन बेटियों की किफालत अच्छे से करे, उनकी अच्छी परवरिश करे, उनको अच्छा पढ़ाए लिखाए, उनको शादी कर दे, तो मैं और वो आदमी जन्नत में ऐसे होंगे, मैं और वो ऐसे होंगे। ही कोटेड द सेम थिंग, द अदर एग्जाम्पल विद द सेम पर्सपेक्टिव, कि मैं और कयामत ऐसे आए हैं।
سو جو حدیث بیان کرتے ہو بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ایگزامپل دیا تھا. پھر کوئی ایگزامپل آتا ہے کہ وہ زمین پر اس طرح سے ڈرا کر رہے تھے, کئی ایگزامپلز آتے ہیں. سو فار می دیٹ واز دا ٹریڈیشنل میتھڈ, اور جس کو آپ سب ایکسپیرینشیل بول کر ڈیفینڈ کرتے جا رہے ہو تو ہم وہاں سے چیزیں شروع کرنا چاہ رہے تھے. اب بتائیے فیض بھی سے کوئسچن لے لیتے کہ یہ اب جو ایک ٹریڈیشنل اسٹائل ہے یا کنٹمپرری میتھڈس کی بہت بات ہو چکی ہے, ایکسپیرینشیل لرننگ کی بات ہو چکی, بٹ اپارٹ فرام دیٹ جو ڈسکشن میں ہیومن ویلیو والا ٹاپک آیا ہے کہ کلاس روم میں میرے پاس میں 20-30 بچوں کی ذمہ داری, وہ جان ہے, وہ آبجیکٹس نہیں ہے, کلاس روم کا فرنیچر نہیں ہے, اس کی جو ویلیو ہے اب میرے پاس میں وہ ذمہ داری دی گئی ہے. تو کوئی ایک ٹریگر کو لیتے ہیں, کوئی ایک ٹریگر وچ ریمائنڈز می کہ یار تمہارے پاس میں نا یہ امانت ہے, یہ ذمہ داری ہے, میں وہ کلاس روم میں لگا لوں, تو آپ کی کوئی نصیحت؟ دیکھیے اس معاملے میں جو مصباح صاحب نے کچھ ایگزامپل دیے, میں ٹیچرس کو بس میرے بھی کچھ چھوٹا موٹا ایکسپیرئنس ہے, ٹیچنگ کا نہیں, ٹیچرس کو کچھ سنبھالنے کا لیکچرنگ ایکسپیرئنس ہے میرا اپنا. اس میں ہوتا یہ کہ جب بھی ٹیچرس کو کچھ کہا جائے کہ یہ چینجز ہے اور کچھ کرنا ہے, فرسٹ رہتا یہ نہیں ہوں گا, یا پھر سیکنڈ رہتا اب کیسے ہوں گا, یا پھر تھرڈ رہتا ابھی سن لو بعد میں نہیں کرنا ہے, مطلب فیصلہ آ گیا تب سننا ہی پڑے گا, نہیں تو جاب ہے, یہ ہے, سیلریز ہے, اپن بعد میں نہیں کریں گے, یا پھر سب ہونے کے بعد میں ایک چٹ لکھ کر یا ایک نوٹ لکھ کر بھیجتے 5 پوائنٹ 6 پوائنٹ 7 پوائنٹ کیسا ہوں گا بتائیے, جب نہیں پوچھتے ہیں پھر میں اس کا آنسر ون لائنر میں دیتا ہوں, میں تو اس کا یہ 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 واپس دے دو یہ چیز, تو پھر وہ آنسر دیکھ کے ہو جاتے ہیں. تو فرسٹ ٹیچر کو یہ سمجھنا ہوں گا کہ اگر ایسا کوئی میتھڈ آپ کو بتایا جا رہا ہے جس کے ذریعے آپ کا اسٹوڈنٹ یا وہ چائلڈ, وہ بچہ جو آپ کے پاس ہے, وہ آپ سے وہ چیز لے سکتا ہے جس کے لیے وہاں وہ آیا ہے, وہ لرننگ کے لیے آیا ہے, نالج کے لیے آیا ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں اگر وہ لے سکتا ہے تو اس کو اڈاپٹ کرنے میں سمجھتا ہوں پرابلم کیا ہے, اس کو ہم کو کرنا پڑے گا. میں تو جنرلی ٹیچرس سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہر بار کہ آپ جب بھی پڑھائے بچوں کو تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اللہ میں جو اس کو پڑھانے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں مجھے وہ صلاحیت دے کہ میں اس کو سکھا سکوں, مجھے اتنا کیپیبل بنا کہ میں اس کو سکھا اور سمجھا سکوں, اور اللہ اس کو اتنا کیپیبل بنا, اس کو اتنی سمجھ دے کہ وہ مجھ سے سیکھے تاکہ میری زندگی میں جب تک وہ رہے اس سے فائدہ اٹھائے, نالج سے میرے لیے فائدے مند, جب میں مر جاؤں تو اللہ اس کو میرے لیے ثواب جاریہ, میرے مرنے کے بعد بھی ریوارڈز مجھے اس کے ملتے رہے, مجھے وہ بنا. تو یہ تھاٹ پروسیس ہونا چاہیے. جیسے سر نے بات کہی کہ تم سب سے مطلب تم وہ ایک ہی شخص ہو یا ٹیچر وہ ایک ہی انسان ہے جو بچے کو وہ سکھا رہا ہے کہ اب کائنات میں اس کو دوسری بار اس کو کوئی نہیں سکھانے والا, یاد رکھے. تو وہ تھوڑا سا ایک تھاٹ پروسیس ہو. اور ایک معلم جو ہوتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروفیٹ محمد نے معلم کے لیے یہ کہا کہ جو لوگوں کو نالج دیتا ہے, نالج امپارٹ کرتا ہے, اس کے ایگزامپل, اس کی مثال ایسی ہے کہ اس کو دنیا کی تمام مخلوقات, ایوری جو کریشن ہے اس کو دعا دیتی ہے, یہاں تک کہ جو چوٹیاں ہوتی ہیں, اینٹس جو ہوتے ہیں ان کی کتنی تعداد نہیں معلوم, اور ایون فشز جو مچھلیاں ہوتی سمندر میں, وہ سب دعائیں خیر کرتی ہے اس کے پراسپرس ہونے کے لیے, اس کے فائدے مند ہونے کے لیے, اس کے لیے دعا کرتی ہے جو لوگوں کو ٹیچ کرتا ہے, سکھاتا ہے, یاد رکھیے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو آپ اپنا مقام پہچانیے, اور اگر آپ کو لگتا ہے کوئی ٹیچنگ میتھڈ کے تھرو میں اچھے سے سکھا سکتا ہوں یا سکھا سکتی ہوں تو لپکیے, مطلب اس کو بھاگ کر پکڑی جیسے آپ کی بس چھوٹ رہی ہے اور آپ کا انٹرویو اور اس کے بعد آپ کا اپوائنٹمنٹ ہے, آپ کو جاب ملنے والی ہے, آپ کا کورس ہے, تو کیسے بھاگیں گا آدمی, کسی بھی حال میں اس کو کیچ کریں گا. وہ نہیں ہوا تو ایک ٹیکسی لے کے اس کا نیکسٹ اسٹاپ کا ہے وہ معلوم کریں گا, وہ نہیں ہوا تو زیادہ پیسے دے کے ٹیکسی لے کے وہ ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے کی کوشش کریں گا. بس ایک تھوڑا سا یہ جو میں کہوں گا, یہ جوش, یہ جذبہ اپنے اندر لائیے کہ آپ دنیا کو مطلب بچوں کو سکھا رہے ہیں, پیرنٹس نے جو ایسٹ آپ کے پاس لا کر دیا ہوں. دیکھیں میں اپنے بارے میں اگر بتاؤں تو شاید میں کسی بھی انسان سے زیادہ اگر کسی کو یاد کرتا ہوں تو اپنے ٹیچرس کو یاد کرتا ہوں, چاہے ان کی اچھائیوں کے لیے یا چاہے کبھی کوئی سوتا تھا, کبھی کوئی مارتا تھا, وہ بھی یاد آتا ہے, تو بس اس لیے یاد کرتا ہوں. تو یہ ایک جنرل ہے, یہاں تک کہ میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں, جو لوگ بیمار ہوتے ہوں گے تو اسکول کے ڈیز ہی ان کو یاد آتے ہیں بیماری کے اندر, کلاس میں ہوں, ایگزام میں لیٹ پہنچ رہا ہوں, یہی ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے آپ کے پاس جو بچہ آتا ہے نا, وہ ساری زندگی آپ کو یاد کرنے والا ہے, چاہے آپ اس کو بھول جائے وہ آپ کو انشاءاللہ یاد رکھیں گے. بس یہ سوچ کے ساتھ آپ آگے بڑھیے. میں سمجھتا ہوں ہر میتھڈ کو آپ اڈاپٹ کریں گے جو بینیفیشیل ہو آپ کے اسٹوڈنٹس کے لیے, اس چائلڈ کے لیے, اس بچے کے لیے. I just wanted to add a point here. I think you were talking about responsibility, especially from teachers.
आप लोग फिनलैंड के बारे में कुछ सुना? फिनलैंड इज अ कंट्री इन यूरोप कॉल्ड फिनलैंड. हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, फिनलैंड. हाँ जी बताइए. हाँ हाँ अच्छा. Yeah, I think one point is right. आपने बताया था फिनलैंड एजुकेशन नंबर वन इन द वर्ल्ड. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द मेथडोलॉजी और इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द. हाँ जी एब्सोल्यूटली. नाउ द अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स देयर. हाँ जी करेक्ट. एंड The respect what a teacher gets in Finland is more than a doctor in India. यहाँ when you talk about profession, हमें क्या बताओ, doctor or engineer? हाँ नहीं, these are two professions we always say, right? Doctor or engineers, but not teachers. The teachers, the respect, the trust in the society itself for the teachers has not been. आई थिंक मिसबा जी ने बताया था वो जमाना बदलना चाहिए. आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस शुड हैपन इन द इकोसिस्टम. द ट्रस्ट विच वी गिव फॉर अ टीचर्स अगेन व्हाई आई एम सेइंग द ट्रस्ट इज मैनेजमेंट ट्रस्टिंग टीचर्स, पेरेंट ट्रस्टिंग टीचर्स, चिल्ड्रन ट्रस्टिंग टीचर्स. व्हेन दैट ट्रस्ट इज बिल्ट ऑटोमेटिकली टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो विल आई मीन अपने आप से हो जाएगा. और दूसरा चीज है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चॉइस एंड अ चांस. हैव आई टेकन दिस प्रोफेशन बाय चॉइस और बाय चांस? एंड इफ एज लीडर्स इफ यू आर एबल टू ब्रिंग टीचर्स विद द चॉइस, यू डोंट हैव टू टेल अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो अपने आप से आई मीन व्हाट एवर मेथड, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट विल बी डिलीवर्ड इन द क्लास. वेल कोइंसिडेंटली मेरा जो अगला क्वेश्चन आने वाला था विशी सर से वो हाउ टू इम्प्लीमेंट एनी मेथड इररिस्पेक्टिव ट्रेडिशनल कंटेम्प्रेरी मिक्स्ड हाइब्रिड जो भी मेथड हो आप अडॉप्ट करना चाहे तो उसको एक मिक्स्ड इंटरडिसिप्लिनरी क्लासरूम में या मिक्स्ड एबिलिटी क्लासरूम में कैसे अप्लाई करें. सो दैट पार्शियली एड्स वैल्यू टू दैट क्वेश्चन. सर आप उसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगे? देखिए ए मेथड इज बेसिकली हाउ क्लोजर आई गेट टू द चाइल्ड टू इम्पार्ट और टू एनेबल द लर्निंग इन द चाइल्ड. आप जो एक्सपीरियंशियल वे और इवन चॉक एंड टॉक इवन ट्रेडिशनली लेक्चरिंग मेथड और शोइंग देम डिजिटली एनी मेथड यूज द चाइल्ड शुड अंडरस्टैंड और द कॉम्प्रिहेंशन शुड बी देयर. In terms of the learning should happen there. What's the second part of the question? I'm sorry. In the curve, right? So, the first thing I think as a teacher, I should believe, yes, this is what it will help me. And most important is, we always think that I've taught, the child has not learned. Yes or no? Pura din or... To complete one lesson, we take about a week's time or some 8-10 periods to complete one lesson. When do we assess whether the child is understood or not? After completing that, right? No. I can see somebody responding. So, how do we do that? Hanji, sorry, I couldn't... By checking it in the middle of the chapter. Okay. Is there any other way we can do that? By asking questions, absolutely. See, always we think that what we teach, they will understand. One important thing we need to remember there is, you are talking to a multidisciplinary, a heterogeneity crowd in the class.
And each one of their dispositions are different. The way they learn, the way they think, the way they write, the way they respond is different. So how will you know? Only when you ask relevant questions or ask, allow them to ask questions. So one of the important thing is, I mean, we use in Chrysalis, we use the word called talk time. Inside the classroom, Misbahuddin ji ne bataya tha na, dadi ki taraf aur didi ki taraf. So similarly here, make children to talk more and teachers talk less. Only then you will know how much the child has learned. Wo aap wo triggering questions aap poochna chahte hain. You should ask the triggering questions and allow the child to think and start responding so that you will understand that acha ye method is working or not working. So one of the important methodology inside the classroom is derivative approach. Derive. So that you are aware of the learning is happening. Questions ki baat hai. I have more questions pending. But before that, let me ask you. If you have any questions, so this is the time to start that. So aap ek question karein, phir main aage bada lu. Ya nahi, to aap bataein, I'll continue with my questions. Dekhi, sawal do time par nahi aate hain. मैंने तो कुछ कहा ही नहीं अभी. एक तो जब सब समझ गया. अच्छा आया है, सवाल आया है. नहीं नहीं सवाल आया है. जी भाजी सर, ये टीचर्स के लिए आपने जो बताया है तो ठीक है, मतलब एक टीचर करने के लिए रेडी है वो सब कुछ, लेकिन हमको क्या होता है, सिलेबस कंप्लीशन होता है, फिर स्कूल प्रिंसिपल होते हैं, हम प्रॉब्लम जाके बताते भी हैं कि बच्चे लो लेवल के हैं, कुछ एवरेज है, ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप हमें एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, अभी एग्जाम्स के लिए भी आप कुछ एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, या फिर पीरियड्स एक्स्ट्रा लीजिए, या बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास के लिए हमें टाइम दीजिए. लेकिन होता ये है कि मतलब ऐसे इश्यूज आते हैं कि नहीं, एग्जाम्स है, आप लोग को सिलेबस कवर करना है, आपको करवाना ही है, किसी भी तरह आप करवाइए, तो उसके लिए क्या इश्यू रहेंगे, हम किस तरह इससे डील करें. बाजी आप कल नहीं थे शायद हमारे. यस, टुडे इज द फर्स्ट डे. अरे अल्लाह खैर, कल हमने ये बहुत अच्छे से चर्चा करे. ओके थैंक यू. इसको नहीं अंतर इनसे इससे इससे सुनना चाहती है आप, कौन सा बटन दबाना चाहती है? ओ द पैट फनी कर आप, हम आपसे एरिया में बैठे हैं. देखिए इसके लिए मैं एक अपना एग्जांपल देता हूँ. मैं एक छोटा सा जो है अरबिक एकेडमी चलाता हूँ, तो उसके अंदर एग्जामिनेशंस नहीं होते हैं, टीचर असेसमेंट ही होता है, और रैंकिंग भी नहीं होती उसके अंदर. ये डेवन से ऐसे अडॉप्ट किया हमने उसको, और ये जब से हम संडे स्कूल्स वगैरह चलाते हैं तब से ये सिस्टम ही मैं अडॉप्ट करता हूँ. बच्चों का असेसमेंट टीचर करता रहता है जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाता जाता है, और उसकी रिपोर्टिंग होती है, और उसके हम ग्रेड्स लिखते हैं, लेकिन जो बताए नहीं जाते हमको पता होता है, और उस ग्रेड्स के पीछे हम लिखते हैं वेरी गुड, सेटिस्फैक्ट्री, कैन डू बेटर, इस तरह के कमेंट्स देते हैं. लेकिन टीचर्स मतलब पेरेंट्स को भी नहीं बताया जाता इसका मीनिंग क्या है, सिवाय इसके कि उनको बताया जाता है कि ये कोशिश कीजिए, ऐसा पढ़ाइए, ये चीज़ को समझाइए. हम लोगों ने उसको ख़त्म किया, लेकिन जो क्वेश्चन था ये प्रैक्टिकल इश्यूज है जो स्कूल के अंदर आते हैं. स्कूल का एक सिस्टम है, सिलेबस कंप्लीट करना है, इतने दिन में कंप्लीट करना, फिर एग्जाम्स है, पेरेंट्स पूछने वाले हैं, और वो उनको आपने क्या पढ़ाया, कितना पढ़ाया, इसके बाद एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ गया जो आपने नहीं पढ़ाया था, बच्चा नहीं था, तो पेरेंट्स आपसे वो करते हैं, तो ये इस पर बहुत ज़्यादा एक मेस हो जाती है. तो मैं कहूँगा अगर आप किसी भी मेथड को आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो जहाँ मैनेजमेंट का एक सोच है वहीं टीचर्स को भी अपडेट होना और वहीं पेरेंट्स को भी अपडेट होना, ये एक बहुत जिसको कहेंगे ना एक सिस्टम, इको सिस्टम बनाना पड़ेगा वैसा. वरना अगर आप किसी जगह जैसे हमारे अकेडमी में सिलेबस भी नहीं होता है, सिलेबस के टॉपिक्स दिए जाते हैं, सिलेबस की बुक नहीं होती उसके अंदर, टीचर आता है डेली पढ़ाता है, बच्चे जितना समझ रहे अगले दिन उसके हिसाब से अनाउंस किया जाता है, लो कर दिया जाता है सिलेबस को. बच्चे लो नहीं होते, हम सिलेबस को लो करते हैं इसलिए कि हम आए जा रहे हैं इसका मतलब, और हम उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं. तो पेरेंट्स का हर 8 दिन में सिलेबस कब मिलेगा, ऐसा कोई तरीका है क्या, अब एग्जाम ले लेंगे तो कैसा होगा, ये पास कैसा होगा, हम बोले फर्स्ट एग्जामिनेशन होने दीजिए, फर्स्ट टर्म उसका होने दीजिए, टर्म आ गया तो रिजल्ट में कोई ग्रेड नहीं है. तो एक मिक्स चीज़ है, तो मे बी हो सकता है जैसे जैसे चीज़ें डेवलप होंगी, जो बातें हमारी आ रही है, आप टीचर्स सीख रहे हैं और भी लोग इसको सुनेंगे इंटरनेट मीडिया के थ्रू, हो सकता है लोग धीरे धीरे डेवलप करें और ऐसे फिर सिस्टम्स इवॉल्व हो
जहाँ लोग समझे इस चीज़ को कि सिलेबस क्या है, उसका मीनिंग क्या था, सिर्फ कंप्लीट कर देना, 1 to 100 तक आपने कंप्लीट कर दिया और बच्चे को 30 से ऊपर आ ही नहीं रहा, उसको समझ भी नहीं रहा है, तो बहरहाल वो चीज़ें हैं, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल इशूज़ है, मे भी हो सकता है यहाँ जो लोग लर्नेड लोग बैठे हैं उन्होंने इसको सॉल्व भी किया और उसका मेथड भी है उसका। एक इम्पॉर्टेंट मे बी यू विल गेट टू हियर दिस आफ्टर NEP 2020 नाउ NCERT स्पेशली फॉर CBSE स्कूल्स NCERT स्टार्टेड रिड्यूसिंग द सिलेबस स्पेशली फॉर ग्रेड्स 8, 9, 10 एंड रिसेंटली लास्ट वीक आई वॉज इन दिल्ली एंड इट हैपन टू बी इन वन ऑफ द स्कूल वेयर नोन थ्रू अ नोन सर्कल एंड दे प्रिंट फॉर मैथ For 23-24, current year math and NCERT textbook has 16 lessons, current version. मैं अभी 21-22 के बारे में बात कर रहा हूँ और अगला version 23-24, the new version will have only 13 lessons. 3 lessons have been removed from the textbook. मतलब वो syllabus कम हो गया already. तो दूसरा चीज है आई थिंक व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज आजकल लेस इज मोर व्हेन आई एम सेइंग लेस इज मोर इज टीच लेस टीच इन डेप्थ लेट देम चाइल्ड अंडरस्टैंड एंड मैडम ने बताया तो वो सिलेबस कवर करना है आई मीन एज टीचर्स वी आर नॉट सपोज टू कवर द सिलेबस वी हैव टू अनकवर द सिलेबस वो फर्क होता है द मोमेंट वी से कवरिंग व्हाट आर वी कवरिंग वो सिलेबस अनकवर होना चाहिए एंड वो पीरियड्स और प्लानिंग और सब आई थिंक एडवोकेट सर ने बताया था अभी अंटिल दे अंडरस्टैंड दैट्स इनफ ओनली द डिफरेंस इज द माइलस्टोन विल चेंज व्हेन आई एम सेइंग माइलस्टोन आपने यू वर टॉकिंग अबाउट एवरेज गुड एंड इंटेलिजेंट और अबव एवरेज ऑल चिल्ड्रन आर ब्रिलियंट It doesn't mean that what you say average child, the child's milestone only changes. वो अभी नहीं कर पाते हैं 2-3 महीने के बाद वो जरूर कर पाते वो सिर्फ वो milestone बदलना चाहिए that's it. आप कुछ comments? नहीं आप कुछ नहीं मेरी I'm so sorry आप कुछ बोल रहे हैं क्योंकि मेरा क्वेश्चन रह जाएगा मेरा क्वेश्चन जो आ रहा है आई लीव इट ओपन बट आई प्रेफर के फैज भी शुरू करे देन द अदर पैनल मे फॉलो हैंड्स ऑन लर्निंग की जो हम बात करते हैं हैंड्स ऑन लर्निंग हैज़ बीन एनकरेज्ड सिंस अ वैदिक पीरियड और ट्रेडिशनली कई बार हैंड्स ऑन लर्निंग को अप्रिशिएट किया जाता है इनफैक्ट इब्ने सीना के ज़माने में he envisioned so much importance on hands-on learning के जो बच्चे होते थे उनके hobbies को business में convert करने के लिए कुछ तरीके अपनाए जाते थे because the students were so engrossed into making things वो बनाते थे आजकल अब screen की बातें हो रही है that takes me to the topic के फैज भाई how do you think this happened or how do you think this may happen ke classroom ke andar wo hobby development the please isme ek cheez main nabi akram sallallahu alaihi wasallam ki zindagi se prophet muhammad ke life se kuch examples aapko deta hu ki kis tarah se wo practically cheezon ko wo kar rahe the ek sahab namaz pad rahe the aapne kaha teri namaz nahi fir se jaake pad le फिर वो पढ़ के आए फिर कहते ही नमाज नहीं फिर से आगे फिर थर्ड टाइम आए कहते ही नमाज नहीं फिर आपने जब उन्हें थर्ड टाइम भी कहा कि इससे अच्छा नहीं आता है तो आपने सिखाया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है याद रखिए कि हम बच्चे को वो चीज़ सिखाए अगर वो नहीं समझ चूँकि क्या होता है बच्चे से क्वेश्चन भी करे तो उसने क्वेश्चन समझा क्या उसके बाद अगर समझा तो फिर उसको कहीं शायद तो फील नहीं और आंसर देने के लिए हो सकता है उसके पास आंसर हो लेकिन वो शायद फील कर रहा हो डरता हो तो ये सारी चीज़ें याद रखिए तो हमको प्रैक्टिकली चीज़ों को फिर उनको करके बताना चाहिए याद रखिए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से प्रॉफिट मोहम्मद एज अ टीचर बोल के कुछ किताबें याद रखी ऑनलाइन मौजूद है वो आप मंगा भी सकते हैं बहुत अच्छे अंदाज से डिफरेंट स्कॉलर्स ने उसमें लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से लोगों को टीच करते थे
सिमिलीज देकर, मेटाफर्स देकर, एग्जांपल्स देकर, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके, खुद करके, किसी से करवा के, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखें। और जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि बच्चे को जो वो चीज़ में पसंद करता है उसके अंदर उसको डेवलप करना, उसकी हॉबी को ही उसके लिए एक सोर्स बना देना, रिसोर्स बना देना, उसी में वर्क करें। ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे पास एजुकेशन सिस्टम में वैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि फ्रीलांस वाला सिस्टम आज भी इंडिया में नहीं है। हमारे पास फिक्स जॉब्स, फिक्स सैलरीज, और इसमें बड़े खुश होते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं तीन जगह जाकर कुछ काम कर सकता हूँ और तीनों जगह मुझे 5 to 7,000 मिल सकता है, उसके मुकाबले मैं चाहता हूँ कि 10,000 की कंप्लीट जॉब मुझे 8 hours, 9 hours, 10 hours की मिल जाए, ये काफ़ी है। पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका फ्रीलांस वर्क करता है, इसीलिए आप देखेंगे दिसंबर और जनवरी में एयरपोर्ट को ये गाइडलाइंस इशू करना पड़ती कि 4 घंटे पहले आ जाओ डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए, चूँकि अब पूरे पार्टनर पूरे दुनिया में घूम रहे हैं, वो लोग छुट्टी के टाइम है उनका एंजॉय कर रहे हैं। याद रखें हम एक्सट्रीम जो विंटर है वो दुनिया में घूमते हैं पूरे जाकर, तो क्यों कर पा रहे हो? इसलिए कि वो फ्रीलांस वर्क करते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं, किसी के पास थोड़ा काम किया, किसी के पास थोड़ा गया, किसी के पास थोड़ा गया, और अपने पैशन और हॉबीज़ को वो करते हैं। ये अफसोस की बात है, हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है कंपनीज में काम करना, फिक्स सेट्स हैं हमारे पास वर्किंग के, अभी चीज़ें नई नई आ रही है, डेवलप हो रही है, याद रखिए फ्यूचर में ये चीज़ हो सकती है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि हर बच्चा जिस फील्ड में महारत रखता है वो हॉबी को डेवलप करे और उसी के अंदर वो वर्क करे फिर। हाँ, मैं अभी बता रहा हूँ, आई थिंक the days when I was a student, I was fortunate to study in a residential school, which is a CBSE school in those days. There was this period called SUPW. Have you all heard about this? SUPW? Socially useful. Yeah. Sorry? Acha, aajkal you're saying craft period. Okay. It's not just limited to craft, art and craft. I think today it's been confined to co-scholastic and co-scholastic or your extracurricular activities. But then the true meaning of SUPW, socially useful and productive work. And morning I was fortunate to be in Safarjika campus school. I was talking to children. I told them, mujhe cooking aata hai. I know how to cook. Because in my school, I was taught cooking. During this SUPW period, we had cooking, we had carpentry, we had plumbing, we had gardening. We had this as a specific periods. And unfortunately, that has been now slowly removed from the thing and only the core scholastic has started focusing. So the hobby, which we used to have as hobbies, was structured earlier. Unfortunately, that got removed. And again, talking about the other countries like Europe or US, all these work are done by skilled laborers. Matlab, they are certified, your carpentry, your plumber, or your electrician. They are graduates, they are certified, and they earn as equal to a doctor or a other profession. But unfortunately, here, what happened is, all that was been treated as a not-so-cool profession. And you go to probably a city, you know, the carpenter earns more than a person who goes to a company. The work in so-called an air-conditioned atmosphere, a carpenter or a painter, they earn as equal to them. Per day, somewhere between 750 to 1,000 rupees is what they charge. Imagine in a month, if they work for 20 days, 25 days, 25,000 rupees. And that is the kind of earning anybody goes to a corporate. But that now it's becoming more skilled thing, and you have a lot of courses to take, and people started respecting those courses as well. And that's the hobby becoming more profession as well. ओके, देखिए हॉबी जो है ये सिखाने की चीज़ नहीं है, ये एंकरेज करने की चीज़ है। हॉबी किसे कहते हैं? उसको सिखाना थोड़ी पड़ता, वो खुद से करता है, खुद से चाहता है। तो हॉबी के लिए तो मौके देना चाहिए। मैं आई हैव बीन टू जाके रिसेंटली, मैं कम से कम वहाँ पर 6-8 स्कूल्स विजिट किया। मैं बहुत अच्छे स्कूल्स भी देखा, जनरल स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, वहाँ के इस्लामिक स्कूल्स सब विजिट किया वहाँ के मैं।
बाय डिफॉल्ट सबके पास में इतने सारे वो छोटे छोटे कहीं पर बहुत बड़े बड़े सेंटर्स थे तो कहीं छोटे छोटे थे, लेकिन वहाँ पर कुछ एरियाज थे जहाँ पर आर्ट्स एंड क्राफ्ट, यहाँ तक कि सोना पुराना भी एक गया था तो इट इज स्कूल इन द होल ऑफ तुर्की यदि यंग रखली, उन्होंने अपनी माँ की स्विंग मशीन को ला के रखा था वहाँ पर और वो स्विंग मशीन के अतराफ उन्होंने पूरा लैब डिज़ाइन किया क्योंकि स्विमिंग भी आने से तो स्विमिंग वहाँ से लेकर किचन से लेकर डिफरेंट एक एक पूरा फ्लोर सिर्फ लैब्स के लिए डेडिकेट किया गया। तो टिंकरिंग के लैब्स है, कारपेंट्री के भी है, वायरिंग प्लम्बिंग रोबोटिक्स हर तरीके के लैब्स छोटे छोटे बनाए हुए वहाँ पर बच्चे जाते हैं। तो मैंने कहा भाई कुछ लैब्स छोटे हैं कुछ बड़े, इसमें सारे बच्चे आ सकते हैं क्या, कब होता है, टाइम टेबल क्या है, कब पढ़ाते हैं इनको? तो उन्होंने कहा ये पढ़ाने की चीज़ क्या है, तो फिर बच्चे कब करते हैं? बोले दे फाइंड देयर टाइम, हमारे पास में पूरा टाइम टेबल सेट है, लंच में टाइम मिलता है, स्कूल के बाद टाइम मिलता है एंड देन और कभी कभी तो टीचर से परमिशन लेके उनके हॉबी के क्लब्स होते हैं और वो लोग मिलके डिसाइड करते हैं कि हमको ये करना है वो करना है, परमिशन लेते आते हैं वहाँ जाके एक्सप्लोर करते हैं। तो यू नो हमको सिखा हर चीज़ हम सिखाएं ये नहीं हो सकता, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमको खुद पता नहीं है वो बच्चों के अंदर है। आपने देखा छोटे बच्चों को फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, एक साल दो साल के बच्चे कहाँ से करते हैं, कौन सी क्लास जाते हैं, छः महीने एक साथ जी, तो एक क्रैश कोर्स होता है वहाँ पर जो गायब से आता है ना, क्रैश कोर्स फॉर यू नो फॉर बेबीज हाउ टू यूज स्मार्टफोन इन 21 डेज, ऐसा रहता है क्या, कैसे इस्तेमाल करते हैं बच्चे? देखिए ये जो बच्चे आए हैं ये आने वाले ज़माने के लिए आए हैं, उनके पास वो सब उनके DNA में अंदर मौजूद है जो उनको आगे चाहिए, उनको सिर्फ चाहिए वो राइट एनवायरमेंट टू ब्लॉसम। बीज डाल दिया गया है आदम की औलाद में, वो बीज डाल दिया गया है, वो माहौल मिलेगा वो ब्लॉसम होगा। तो हॉबीज के लिए ऐसे बहुत सारी चीज़ें और ऐसे कई सारे मौके हमको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि इसके अंदर क्या टैलेंट है, क्या इसके पास स्पेशल स्किल्स है, अगर वो करके उसको थोड़ा सा मौका देंगे, थोड़ा इंकरेज करेंगे, थोड़ा अलाउ करेंगे उनको, थोड़ा फ्रीडम देंगे स्कूल के अंदर से, तो वो काफ़ी है उनको बहुत ज़्यादा सीखने के लिए और यही सीख कर वो आगे जाकर बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दीस आर द पीपल हु विल बिकम एंटरप्रेन्योर्स टुमारो। थैंक यू सो मच। मैं छोटा सा एक एग्जांपल ऐड करूंगा, मेरा कैम्ब्रिज जाना हुआ था तो कैम्ब्रिज में जो कैम रिवर है उस पर वो ब्रिज बना था, तो कैम्ब्रिज एरिया का नाम है, तो रिवर पे हम पंटिंग के लिए चले गए थे, तो वहाँ जो शख्स उसको चला रहा था तो मैंने उससे बातचीत की, वो फ्रेंच नेशनल था, यहाँ पढ़ाई के लिए आया हुआ था, तो मैंने उससे बातचीत की, उसका क्वालिफिकेशन पूछा, लोगों से मिल रहे थे हम, तो उसने कहा मैं PhD हूँ केम रिवर पर, वो जो केम रिवर है जिस पर ब्रिज बना उस पर PhD था, और वो हमको वहाँ कर रहा था और एक्सप्लेन कर रहा था साथ में कि ये रिवर क्या है, रिवर के बारे में, रिवर से रिलेटेड इतनी छोटी छोटी मालूमात में थी कि जो घर बने हैं तो कुछ घर की खिड़कियां बंद थी, तो बताने लगा कि एक ज़माने में इंग्लैंड में टैक्सेस थे, जितनी लाइट अंदर आएंगी टैक्स देना है, तो लोगों ने ईंटें लगा के थोड़ी विंडोज़ बंद की थी, किस सन में ये लॉ पास हुआ था, कैसे होता था, तो वो PhD था। उसके बाद हम वहाँ से निकले और एक टैक्सी में हम गए, तो टैक्सी ड्राइवर से मैंने ऐसे पूछा कैम्ब्रिज में कि आप यहाँ टैक्सी चलाते हैं तो क्या आपको मिलता है, तो 5 pounds पर आवर बोले मुझे यहाँ अर्न होता है, मैं डबल PhD बोले और यहाँ और एक PhD परस्यू कर रहा हूँ, लेकिन मैं साइड में क्या करता हूँ 2-3 hours ये चला लेता हूँ गाड़ी, उसके बाद मेरा 20 pounds निकल जाते हैं और कुछ बुक्स को ट्रांसलेट करता हूँ फ्रेंच में करता हूँ इंग्लिश से, और ये मेरा काम है और उसके साथ मेरी हॉबी और मैं ऐसे ही गुजार रहा हूँ, आपकी लाइफ बीवी बच्चे वो कैसे, तो यही तो मेरी ज़िंदगी, यही मेरी अर्निंग है, यही मेरी जॉब है। तो वहाँ देखिए उन्होंने हर चीज़ को जैसा सर ने कहा सर्टिफाइड होते हैं, वाकई में इस तरह से हैं, 5 pounds, 8 pounds पर आवर से वर्क कर रहे हैं, मतलब बहुत हाई सैलरीज है। तो ये सारी चीज़ें होंगी हॉबीज़ में, मतलब बच्चे आगे जा सकते हैं और ये सारी चीज़ों से अर्न कर सकते हैं, याद रखें जिस चीज़ में वो खुश होते हैं, जिस चीज़ को वो करना चाहते हैं, याद रखें। इन अ फ्यू मोमेंट्स अजान हो जाएगी, सो आई नॉट वेस्ट माई टाइम, आई थैंक ऑल द पैनल्स ओवर हियर, सब अलग अलग जगह से है, फेसबुक है कि अपना बिजी शेड्यूल है, मिसबाह सर हैदराबाद से आए हैं और विशि सर को मैं आपको बताया कि ही ट्रैवल्ड अप्रॉक्सीमेटली 2000 किलोमीटर्स टू रीच यू पीपल। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने यहाँ से आज इनसे कुछ सीखा तो इन लोगों के लिए दुआएं करें, दूसरा अगर आपने कुछ सीखा तो दूसरों को बताएं, एंड आस्क देम टू अटेंड टुमारो सेशन, बिकॉज अगेन टुमारो वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंडेटरी स्किल्स। बच्चा 18 साल का हो जाता है और उसके बाद में कुछ ऐसी स्किल्स सीखने में टाइम डालता है जब वो एक्चुअल में ग्रेजुएशन करना चाहिए। सो 18 साल का होने तक उसको कंपल्सरीली क्या क्या चीज़ें आ जानी चाहिए, वो टॉपिक्स को हम कल डिस्कस कर रहे हैं इंशाल्लाह। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप खुद भी आए और आप अपने वेल विशर्स को या आप जिनके वेल विशर्स हैं उनको साथ में लेकर आए।
Thank you so much. Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट्स पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारी वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।